हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स दैट इज चैप्टर नंबर फोर बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज यहां पे स्टूडेंट्स हम सिर्फ बेसिक जियोमेट्रिक टर्म्स पढ़ेंगे जियोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे देन आफ्टर वी विल सॉल्व एक्सरसाइज फोर सो इन दिस वीडियो वी कवर दिस मच ऑफ पॉइंट फर्स्ट इज पॉइंट वॉट डू मीन बाई पॉइंट सबको मालूम होगा स्टूडेंट इसे हम डॉट कहते हैं पॉइंट कहेंगे राइट right? तो पॉइंट मीन सिंपल एक डॉट अब यहां पर हर एक चीज का एक नाम होता है तो पॉइंट को यहां पर मैं बाजू में अगर ए लिखू तो इसको क्या रीड करेंगे पॉइंट ए क्या रीड कर सकते हैं इसको पॉइंट ए राइट सपोज आप को, कोई कोई बोले कि पॉइंट बी बताओ तो ये ऐसे आप डिनोट कर सकते हो डॉट और उसके बाद क्या लिखना होगा आपको बी लिखना होगा राइट सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट पॉइंट क्लियर ओके सेकेंड टर्म इज लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट देखो स्टूडेंट्स मैंने ये क्या ड्रॉ किया दो पॉइंट्स ड्रॉ किए ये दो पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन फॉर एग्जाम्पल ये फिक्स लाइंथ है कि फाइव सेंटीमीटर तो ये फाइव सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने ड्रॉ की लेकिन ये फिक्स्ड लेंथ है इसको क्या है फिक्स्ड लेंथ मतलब फाइव सेंटीमीटर बोला है तो फाइव सेंटीमीटर ही होगा वो सिक्स तो हो जाएगा नहीं राइट right? तो इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट क्या कहेंगे लाइन सेगमेंट कहेंगे स्टूडेंट्स राइट सो लाइन सेगमेंट मीन्स वॉट इट हैज फिक्स्ड लेंथ और लाइन सेगमेंट यहां पे ए पॉइंट और ये बी पॉइंट कोई भी नाम दे देंगे हम आप कुछ भी दे सकते हो एक्स वाई पी क्यू वाट एवर राइट तो यहां पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि लाइन सेगमेंट के ये दोनों एंड पॉइंट एंड पॉइंट मतलब खत्म हो जाता है इधर इसके आगे कुछ है नहीं सो लाइन सेगमेंट के बारे में आपको थोड़े पॉइंट्स याद रखने है कि लाइन सेगमेंट हैज हाउ मेनी एंड पॉइंट्स टू एंड पॉइंट्स कितने एंड पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स दो एंड पॉइंट्स होते हैं किसको लाइन सेगमेंट को कितने एंड पॉइंट होते हैं दो एंड पॉइंट होते हैं राइट ओके और उसकी लेंथ क्या होती है फिक्स्ड होती है याद रखना ध्यान से समझना ये को क्योंकि आगे चैप्टर में यही सब चीजें हैं चलो तो लाइन सेगमेंट को डिनोट किया जा कैसे जा सकता है पॉइंट को कैसे लिखते हैं हम पॉइंट ए वैसे ही लाइन सेगमेंट को ऐसे लिखना है ए बी तो इसको क्या रीड करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी चलो एम एन मतलब लाइन सेगमेंट एम एन क्यों दो पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज इट टू एंड पॉइंट राइट सो आई होप आपको लाइन सेगमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा द थर्ड कंसेप्ट इज लाइन लाइन समझना स्टूडेंट्स, लाइन किसे कहते हैं यहां पे स्टूडेंट्स मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जिसमें दोनों तरफ एरो किए हुए एरो का मतलब इसको मैं इस डायरेक्शन में भी कहीं जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकता हूं और ये डायरेक्शन में भी जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं इसको मैंने नाम दे दिया ए बी तो दो पॉइंट्स में से लाइन तो ड्रॉ होगी लेकिन ये एंड पॉइंट नहीं कहलाएंगे स्टूडेंट्स राइट क्यों क्योंकि इसका एंड यहां पे है नहीं ये एरो बताया है मतलब आगे इसको जहां तक एक्सटेंड करना है वो हम कर सकते हैं इसको भी इधर एक्सटेंड कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज वॉट लाइन तो लाइन में दोनों तरफ एरो होंगे जबकि लाइन सेगमेंट में कोई एरो था नहीं मतलब फिक्स्ड था तो लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का एक पार्ट है क्लियर? ओके। okay. इसको कैसे डिनोट किया जा, जा सकता है लाइन को ऐसे लिखेंगे और लाइन ए बी लाइन ए बी भी लिख सकते हो या तो लाइन बी ए भी लिख सकते हो ठीक है तो ये नाम इस तरीके से दिए जा सकते हैं आपको याद रखना है स्टूडेंट्स राइट नेक्स्ट कंसेप्ट इज रे कौन सा कंसेप्ट है रे के बारे में पढ़ना है चलो रे मीन्स वॉट सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि सन में से जो लाइट आती है उसको हम क्या कहते हैं सन रेस कहते हैं क्या कहते हैं सन रेस मतलब वो स्टार्ट कहां से होता है सन में से और अर्थ पे आते हैं सो ये रे का सिंबल है इसमें इसको ए बी तो ए जो है वो एंड पॉइंट है मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है और बी मतलब ये डायरेक्शन में आप कहीं तक भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये सन है उसमें से जो रेज आते हैं वो कहीं तक दूर तक एक्सटेंड हो कर सकते हैं राइट लेकिन ये क्या हो जाएगा उसका एंड पॉइंट इज इट क्लियर सो इसको कैसे डिनोट करेंगे जब भी आपको ऐसा सिंबल दिया है तो क्या पढ़ोगे आप रे ए बी क्या पढ़ोगे रे ए बी क्लियर स्टूडेंट्स सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंट किसे कहते हैं लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं लाइन किसे कहते हैं और रे किसे कहते हैं चलो पॉइंट्स लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं और उसकी लेंथ क्या होगी फिक्स्ड लाइन को कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे क्योंकि उसको दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो रे की बात करें तो रे में कितने एंड पॉइंट होंगे वन एंड पॉइंट होगा और एक तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो ठीक है So, ये बेसिक कंसेप्ट जो थे वो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी लाइन बोला स्टूडेंट्स? स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन्स की बात करें सपोज कोई दो लाइन है स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने इसका नाम दे देते हैं ए बी और ये दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ये सी और ये डी ये दोनों लाइन जहां पे मीट कर रही है जहां पे टच करती है एक दूसरे को उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्शन मतलब वो कहां पे जाके टच करता है वो चीज राइट right? तो ऐसी लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं मतलब जो दो लाइन एक दूसरे को टच करती हो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं स्टूडेंट्स राइट फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे ड्रॉ किया मैंने तो क्या इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे ये yes. बिकॉज देखो इसको मैं लाइन है ना तो लाइन को मैं कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकता हूं तो ये आगे जाके क्या करेगा टच करेगा इज इट क्लियर सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब द टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर दोनों लाइन्स एक दूसरे को मीट करेगी एट पॉइंट दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा हुआ ओ हो गया चलो दूसरा कंसेप्ट है पैरल लाइन सो व्हाट डू मीन बाय पैरल लाइन स्टूडेंट पैरल लाइन जो है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी सपोज ये लाइन ए भी है और ये लाइन सी डी है चलो इसको मैं दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड करूं और इसको भी एक्सटेंड करूं लेकिन ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी राइट तो पैरेलल लाइन किसे कहेंगे ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी मीट ना करती हो और दूसरी चीज दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा इक्वल रहेगा उसको हम क्या कहते हैं पैरेलल लाइन कहते हैं आप देखा होगा स्टूडेंट्स रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे तो रेलवे ट्रैक्स में बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा सेम और ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है राइट right? अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो उसे हम पैरेलल लाइन नहीं कह सकते तो यहां पे पैरेलल लाइन का सिंबल कैसा है स्टूडेंट्स ध्यान देना कौन सी दो लाइन दी है आपको ए बी तो ऐसे लिखेंगे लाइन का सिंबल ये है ए बी और ये दोनों पैरेलल है तो ऐसी दो लाइन लिखनी है बीच में किसको पैरेलल है सी डी को सो so, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या रीड करेंगे इसको लाइन ए बी पैरल लाइन सी डी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सो so, ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे इंट्रोडक्शन पार्ट था ये वीडियो का ये कंसेप्ट को यूज करके हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने वाले हैं चलो सिंपली रिवाइज कर लेते हैं इसको क्या कहते हैं पॉइंट इसको क्या कहेंगे जिसमें एक भी तरफ एरो ना हो उसको लाइन सेगमेंट कहेंगे मतलब लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ होती है चलो दोनों तरफ एरो हो उसे हम क्या कहेंगे लाइन मतलब इसके कोई एंड पॉइंट होंगे नहीं कितना भी चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो एक तरफ एरो हो मतलब इस ये एंड पॉइंट हो गया और इस तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो जिसे हम क्या कहेंगे रे कहेंगे राइट क्लियर स्टूडेंट्स नाउ यूजिंग दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज फोर पॉइंट क्वेश्चन इज यूज द फिगर फिगर टू नेम आपको एक दी है उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं स्टूडेंट्स राइट द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइव पॉइंट राइट डाउन दी फाइव पॉइंट चलो फाइव पॉइंट्स का आंसर आपको लिखना है तो हमने आगे देखा स्टूडेंट्स पॉइंट्स को कैसे डिनोट करते हैं ऐसे पॉइंट ए राइट तो यहां पे सिंपली जो भी फिगर में दिखता है कि ये एक पॉइंट है ये भी एक पॉइंट है दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट राइट तो कौन से पॉइंट लिखेंगे पॉइंट ओ पॉइंट ई पॉइंट डी पॉइंट बी एंड पॉइंट सी राइट सो दिस आर दी फाइव पॉइंट एक दो तीन चार और पांच हो गए ओके सेकेंड क्वेश्चन इज अलाइन लाइन के बारे में लिखना है स्टूडेंट्स तो लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैंने आपको अभी बताया कि लाइन को ऐसे लिखेंगे दोनों तरफ एरो होगा राइट right? ये मैंने एक सिर्फ एग्जांपल दिया चलो यहां पे लाइन देखो बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो सकते लेकिन एक आंसर जो है देखो कौन सा आंसर है डी राइट right? तो दोनों तरफ एरो है लाइन डी चलो क्या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो डीई हम सिर्फ ये फिक्स्ड लेंथ की बात नहीं कर रहे अगर सिर्फ डी ई बात करते तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता लेकिन हम ये एरो कंसिडर कर रहे तो यहां पे क्या आएगा डी ई भी आ सकता है फिर ई ओ भी आ सकता है क्योंकि हमने मैंने आगे भी बताया आपको कि लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का एक पार्ट है राइट चलो और डी बी हो गया डी ई हो गया राइट डी ओ भी हो सकता है राइट So, बहुत सारी लाइन पॉसिबल हो सकती है राइट हमें सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है चलो फिर बोला है फोर रेस चार रेस के नाम लिखो चलो रे को कैसे सिंबल है एक एंड पॉइंट होगा सपोज यहां पे ऐसा है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे? सॉरी रे ए बी चलो तो ये एक रे बात करे ओ बी रे हो गया क्लियर एक रे हो गया ओ सी दो रे हो गए चलो एक रे हो गया ओ भी लिख सकते हो आप और एक हो जाएगा ओडी क्लियर स्टूडेंट्स सो इस तरीके से आप रे लिख सकते हो राइट नाउ द फिफ्थ फोर्थ वन इज फाइव लाइन सेगमेंट पांच लाइन सेगमेंट के नाम लिखो चलो लाइन सेगमेंट मतलब जिसके दो एंड पॉइंट फिक्स होंगे तो आप दो एंड पॉइंट फिक्स हो वैसा लिखो तो डी ई भी लिख सकते हो फिर ई भी लिख सकते हो राइट ओ बी भी लिख सकते हो हम इधर एरो नहीं गिन रहे सिर्फ ये लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं ओ बी इतना पार्ट इज इट क्लियर चलो तो ओ बी उसके बाद हम ओ सी भी लिख सकते हैं और डी ओ भी लिख सकते हो गए पांच लाइन सेगमेंट के नाम क्लियर सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आपको कोई भी फिगर दी होगी उस पर से आंसर देने हैं राइट right? so this was the question number 1 of exercise 4.1 now moving to the next question the next question is question number 2 name the line given in all possible ways bracket में लिखा है 12 ways तो आपको 12 तरीके से लाइन के नाम लिखने हैं choosing only two letters चलो लाइन को लिखने के लिए कितने letters use होते हैं दो letter use होते हैं कितने letter use होते हैं दो क्यों चलो यहां पे आपको जो चार पॉइंट्स दिए उसमें से कोई भी दो यूज करके आपको बारह तरीके से नाम लिखने हैं राइट चलो सबसे पहले हम लाइन लिखें ए बी ए से शुरुआत करते तो ए बी फिर लाइन लिखे ए सी देखो ए बी हो गया फिर ए सी फिर लिखेंगे ए डी तो तीन वे हो गए क्लियर चलो अब क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइन है ये दो पॉइंट्स है तो उसको हम ए भी, भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं ठीक है चलो अब बी से शुरुआत करें तो बी ए हो जाएगा पहला फिर हो जाएगा बी सी लाइन बी सी इसको कैसे रेड करेंगे लाइन बी सी फिर लाइन बी डी क्लियर बी का भी काम खत्म अब सी की बात करें चलो तो सी ए हो जाएगा पहले फिर लाइन सी बी और लाइन सी डी क्लियर स्टूडेंट्स अब डी के लिए बात करें डी तो आगे कुछ नहीं है तो पीछे ही जाएंगे चलो पहले क्या लिखेंगे लाइन डी ए दूसरा लाइन डी बी और तीसरा लाइन डी सी गिन लो बारह हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सो दिस ऑल आर द्वेल्व पॉसिबल वेज टू राइट द नेम ऑफ लाइन इस तरीके से आप लाइन का नाम लिख सकते हो स्टूडेंट्स लाइन लिखने के लिए आपको ये एक एरो करना है ऊपर और दो लेटर का यूज करना है राइट क्लियर सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज यूज द फिगर टू नेम ये आपको जो फिगर दी है उसका यूज करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं राइट right? चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई क्वेश्चन को समझो स्टूडेंट्स क्या है ऐसी लाइन का नाम लिखना है जिसमें ई e आता हो जिसपे ई e आता हो राइट right? तो देखो स्टूडेंट्स ए लाइन है ये लाइन जिसपे ई पॉइंट है और दूसरी ई एफ है राइट right? तो एक ही लाइन एक ही आंसर लिखेंगे दैट इज लाइन ए क्लियर जिस पे ई e पॉइंट आता हो वो लाइन लिखे दैट इज हो गया ओके दूसरी क्वेश्चन है क्वेश्चन बी लाइन पासिंग थ्रू द ए मतलब ऐसी लाइन जो ए में से पास होती हो चलो ए में से पास होती तो ए में से कौन सी लाइन पास हो रही है यही लाइन पास हो रही है तो क्या नाम लिखेंगे लाइन ए लिख सकते हो या तो लाइन ई ए भी लिख सकते हो जो इसको आगे पास एक्सटेंड करेंगे तो ये ए में से पास होगी क्लियर okay. ओके okay. बहुत ही इजी सा चैप्टर है स्टूडेंट्स सिर्फ कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है जियोमेट्री के जिसके बारे में हमें स्टडी करना है और फिगर पे से आंसर देना है बहुत ही इजी सा चैप्टर है ये चैप्टर नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन ऑन विच ओ लाइज क्वेश्चन का मतलब क्या है ऐसी लाइन जिसपे पॉइंट ओ आता हो चलो कौन सी लाइन है जहां पे पॉइंट ओ है चलो ये रहा पॉइंट ओ तो ये लाइन पे है तो क्या लिखेंगे लाइन का नाम सी ओ लाइन सी ओ और या तो क्या लिख सकते हैं लाइन ओ सी इज इट क्लियर ओके नाउ टू पेर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स पैर बोला है पेयर का मतलब दो टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को टच करती हो राइट right? चलो तो फर्स्ट पेयर लिखेंगे पहले ये लाइन और ये लाइन टच कर रही है चलो ये लाइन कौन सी है एंड -E. इसको किसके साथ टच हो रही है इसके साथ तो क्या लिखेंगे OC. तो ए इंटरसेक्ट OC. एंड सेकेंड पेयर कौन सी हो जाएगी ये लाइन और ये लाइन तो ये लाइन का नाम तो फिक्स है दैट इज ए एंड ये लाइन कौन सी हो जाएगी ई एफ लिख सकते हो या तो एफ लिख सकते हो ई एफ तो ये दोनों लाइन है जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है मतलब टच करती है क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू या ब्लैंक्स के अंदर चांसेस है आने के पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू फर्स्ट क्वेश्चन इज वन गिवन पॉइंट एंड सेकेंड टू गिवन पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है सपोज ये एक पॉइंट है उसमें से आप कितनी लाइन पास कर सकते हो बहुत सारी राइट right? तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर काउंटलेस या तो इनफाइनाइट लाइंस इनफाइनाइट मतलब आप गिन भी नहीं सकते उतनी लाइंस हम उसमें से ड्रॉ कर सकते तो आंसर क्या लिखेंगे इनफाइनाइट और काउंटलेस दोनों में से आप कोई भी एक लिखो आंसर राइट right होगा चलो सेकेंड इज गिवन दैट इज टू गिवन पॉइंट्स दो पॉइंट्स में से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं चलो आपके पास दो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो दोनों में से पास होनी चाहिए सो so, इतना याद रखना लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए दो पॉइंट्स चाहिए सिंगल यूनिक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपके पास दो पॉइंट होने जरूरी है सो so, क्या लिखेंगे वन लाइन कैन बी ड्रॉन दो पॉइंट्स में से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स राइट क्लियर सो दिस वाज़ द क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर फाइव इज ड्रॉ अ रफ फिगर क्या करना है स्टूडेंट्स ड्रॉ अ रफ फिगर लेबल लेबलबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फिगर को ड्रॉ करना है और आपको उसको नाम भी देना है लेबल भी देना है चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पॉइंट पी लाइज़ ऑन क्या रीड करेंगे इसको स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट क्योंकि यहां पे एरो नहीं है तो लाइन सेगमेंट ए बी अब लाइन सेगमेंट ए बी क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले कि पॉइंट पी लाइज मतलब उसके ऊपर होना किसके ऊपर होगा लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर तो लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर दे पहले हम फिक्स्ड लेंथ है ना लाइन सेगमेंट मतलब फिक्स्ड लेंथ चलो ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया इसका नाम दे देंगे ए और ये हो जाएगा बी अब पी पॉइंट कहां है उसके ऊपर मतलब बीच में कहीं पे भी आप पॉइंट लगा सकते हो पी सो दिस इज वॉट रफ फिगर हमने ड्रॉ कर दी क्लियर चलो सेकेंड केस के लिए रफ फिगर ड्रॉ करेंगे सेकेंड so केस में क्या है क्या रीड करेंगे इसको दोनों तरफ एरो हो तो लाइन तो क्या रीड करेंगे लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट मतलब टच करना इंटरसेक्ट एट एम कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एम पे तो दो लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स कौन सी लाइन है ये एक्स वाई तो इसका नाम दे दो एक्स और ये हो जाएगा वाई इंटरसेक्ट मतलब दोनों एक दूसरे को टच मतलब क्या हुआ दोनों एक दूसरे को टच कर रही है लाइन चलो इसका नाम क्या है पी क्यू इंटरसेप्ट एट एम दोनों जहां पे टच करती है उसका नाम क्या देंगे एम तो ये हो जाएगी आपकी रफ फिगर इज इट क्लियर अच्छे से समझना समझना कंसेप्ट को क्योंकि फिगर पे सही आंसर देने होते हैं ये चैप्टर के अंदर चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन सी लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ एक लाइन है एल जिसपे दो पॉइंट है ई एंड एफ बट नॉट डी उसके ऊपर डी पॉइंट नहीं है चलो तो पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं अब स्टूडेंट समझना लाइन को दो लेटर से डिनोट किया जाता है या तो सिंग अगर सिंगल डिजिट दिया है एल सिंगल लेटर दिया है आपको एल तो इधर लिखेंगे लाइन एल दिस इज कॉल्ड लाइन एल अब क्या है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ तो उसके ऊपर E पॉइंट है और F पॉइंट है बट नॉट D तो D पॉइंट कहीं पे भी लिख सकते हो क्योंकि लाइन पे नहीं बोला है तो यहां पे आ जाएगा पॉइंट D क्लियर चलो द नेक्स्ट वन इज D पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज टू पेर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन दो पेर इंटरसेक्टिंग लाइन की ड्रॉ करनी है आपको राइट right? तो अभी हमने आगे देखा था स्टूडेंट्स ये एक हो गई और ये दूसरी हो गई तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरी ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है नाम दे दो आप ए बी इसका दे दो सी डी ये लाइन का हो जाएगा ई e, एफ अब जहां पे भी इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम दे दो पी एंड क्यू क्लियर है स्टूडेंट्स सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन नाम मोविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन लाइन सेगमेंट एम एन सॉरी लाइन एम एन ओके से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेक्सट ऑफ गिवन फिगर आपको ये फिगर पे से आंसर देना है और बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है राइट चलो द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज कंसीडर सॉरी क्यू एम ओ एन पी क्यू एम एन एन पी आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन चलो लाइन एम एन है ये लाइन एम एन इसको लाइन एम एन मतलब पॉइंट ये एरो के साथ कंसीडर किया है सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर नहीं किया है लाइन बोला है राइट चलो लाइन क्वेश्चन में तो लाइन के ऊपर क्या सारे ये पॉइंट्स आते क्यू भी आ जाता है एम भी आ जाता है ओ भी आ जाता है एन भी आ जाता है और पी भी आ जाता है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू क्लियर स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वन इज एम ओ एन आर द पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एम एन देखो लाइन सेगमेंट बोला है सेगमेंट मतलब फिक्स्ड होगा तो ये एम और एन और बीच में क्या है ओ तो यहां पे क्या बोला है कि एम ओ एंड एन आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एम एन क्या वो ये तीनों पॉइंट लाइन सेगमेंट एम एन के ऊपर है तो ऑफकोर्स यस yes. तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ट्रू राइट right? चलो सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एम एंड एंड आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन चलो ये लाइन सेगमेंट एम एन है तो लाइन सेगमेंट मतलब जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट का मतलब जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं तो क्या ये एम और एंड लाइन सेगमेंट एम एन के एम पॉइंट यस, तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट राइट चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज डी ओ एंड एन ओ एंड एन आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP. तो लाइन सेगमेंट OP के एंड पॉइंट कौन से होंगे स्टूडेंट ओ एंड पी होंगे लेकिन यहां पे तो क्या पूछा है ओ एंड एन तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा फॉल्स क्लियर चलो नेक्स्ट क्या बोला है कि एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ तो लाइन सेगमेंट क्यू और ओ इसके एंड पॉइंट कौन से होंगे क्यू एंड ओ ही होंगे इधर क्या बोला है एम तो क्या आएगा फॉल्स आएगा क्लियर है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज स्टेटमेंट एफ एम इज द पॉइंट ऑन रे OP चलो रे OP draw करते हैं ये रे ओपी हो गया इधर से स्टार्ट किया तो ये हो गया रे ओपी क्या इसके ऊपर यहां से इस तरफ क्या इसके ऊपर एम पॉइंट आता है कोर्स नॉट कौन सा पॉइंट आएगा एन आ सकता है लेकिन एम नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा फॉल्स राइट right? चलो नेक्स्ट इज जी क्वेश्चन रे ओ पी रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी क्या ओपी और क्यूपी दोनों अलग अलग रे है ऑफकोर्स यस सो दिस इज कॉल्ड ट्रू राइट चलो नेक्स्ट रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम चलो ओ पी ओ पी जो है और ओ एम जो है क्या दोनों सेम रे है इसका आंसर स्टूडेंट्स फॉल्स आएगा क्योंकि आप देखो यहां पे ओ पी और क्या बोला है ओ एम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है लेकिन इधर तो सेम बोला है तो क्या आएगा फॉल्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रे ओ एम रे ओ एम मतलब इस तरफ वाला रे इज नॉट ऑपोजिट रे ऑफ ओ पी तो, तो दोनों ऑपोजिट है लेकिन यहां पे नॉट बोला है तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स राइट right? चलो नेक्स्ट ओ इज द नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओ पी चलो ये रे पी है ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं यस yes. लेकिन यहां पे नॉट बोला है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स राइट लास्ट स्टेटमेंट दैट इज एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे एन पी एंड रे एन एम चलो रे एन पी मतलब ऐसा और रे और रे एन एम मतलब ऐसा दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है एनी है ना तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा ट्रू क्लियर सो फिगर को समझ के हमें स्टेटमेंट के आंसर देने हैं स्टूडेंट्स सो आई होप आपको ये क्वेश्चन सिक्स ऑफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन समझ में आ गया होगा सो दिस वॉज द एंड ऑफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जस्ट लाइक दिस वीडियो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर नी ऑन दिस चैनल थैंक यू